तो हे गाइस, आज की वीडियो हमारी होने वाली है आउटडोर नाइट पोर्ट्रेट पे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने आउटडोर पोर्ट्रेट का स्किन डिटेच, इसके अलावा हेयर वर्क और इस पे कलर ग्रेडिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं, आप अपने पोर्ट्रेट को एक प्रॉपर कैसे एडिट कर सकते हैं। तो लाजमी वीडियो को एंड तक देखें, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप ये फोटो देख सकते हैं, मैंने अपने फोटोशॉप में फोटो ओपन कर ली है। तो सबसे पहले आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करना है, जिससे आपके पास कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, तो देखें यहाँ पे मेरे पास कैमरा ओपन हो गया। तो कैमरा में अपनी फ़ोटो की बेसिक सेटिंग, इसके अलावा कलर ग्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी फ़ोटो की बेसिक सेटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले आप इसमें अपनी फ़ोटो पर थोड़ा सा जूम कर लें। तो इसके बाद देखें, हम सबसे पहले अपनी फ़ोटो का एक्सपोयर देख लेते हैं, एक्सपोयर हमारा ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इससे हमारी फ़ोटो में थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। इसके बाद हाईलाइट, तो हाईलाइट मेरे तकरीबन ठीक ही है। इसके बाद शेडोज को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, देखें इसे बढ़ाने से हमारी फ़ोटो में थोड़ी सी लाइटिंग आ गई है। इसके बाद अपने वायर्स को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे अपने ब्लैक्स को थोड़ा सा इस तरह बढ़ा देता हूँ। तो टेक्सचर को भी थोड़ा सा आपने बढ़ा देना है, इसके अलावा आपने क्लैरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। इससे आपकी फ़ोटो देखिए शार्प हो जाएगी, जैसे पहले थोड़ी सी ब्लर थी, अब थोड़ी सी शार्प हो गई है। इसके बाद हमने इसे कर देना ओके। तो ये देखिए मैंने अभी अपनी फ़ोटो की थोड़ी सी बेसिक सेटिंग की है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी फ़ोटो का स्क्रीन डिटेच कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने दो लेयर बना लेनी है, कीबोर्ड से आपने कंट्रोल जे प्रेस करना है तो एक लेयर बन जाएगी, फिर प्रेस करेंगे तो एक और लेयर बन जाएगी। तो ये लेयर वन पे आपने गॉशियन ब्लर लगा देना है, यहाँ पे फिल्टर पे आ गए, ब्लर पे आ गए, गॉशियन ब्लर। तो इसे आपने 2.5 का लगा देना है और यहाँ पे ऊपर वाली लेयर पे आके आपने इस पर हाई पास लगा देना है, यहाँ पे फिल्टर में आके अदर पे आके हाई पास, और ये आपने 1.2 का लगा देना है। और इसका ब्लेंडिंग मोड आपने लीनियर लाइट पर कर देना है। इस पर अगर आप डिटेल पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं, वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने लेयर वन पे वापस आ जाना है, मिक्सचर ब्रश टूल आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है और इससे आपने अपनी स्किन को रिटच कर लेना है। इससे आपकी स्किन का टेक्सचर भी ख़राब नहीं होगा और आपकी स्किन भी बहुत अच्छी और प्रोफेशनल किस्म की एडिट हो जाएगी। तो इस पर मैंने डिटेल पर काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पर जाके वो भी चेक कर सकते हैं। तो इस लेयर को आप ऑफ करके अपना बिफोर आफ्टर भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी स्किन बहुत ही अच्छे से एडिट हो चुकी है और स्किन का टेक्सचर भी ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप अपनी स्किन को बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल किस्म का एडिट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करना है, जिससे आपकी तीनों लेयर मर्ज हो जाएंगी। कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस कर दें, देखें हमारी लेयर मर्ज हो जाएंगी। तो इसके बाद देखें हम अपना हेयर वर्क कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लिक्विफाई टूल ओपन करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट एक्स आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है, जिससे आपके पास लिक्विफाई टूल ओपन हो जाएगा। इसमें आने के बाद आपने इस वाले टूल से अपनी फ़ोटो पे जूम कर लेना है, जहाँ पे भी आपके हेयर हैं उस जगह पे आपने अपनी फ़ोटो पे जूम कर लेना है इस तरीके से। और उसके बाद आपने ये फर्स्ट वाला टूल यूज़ करना है और इससे आपने हेयर के अपने ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, जिससे आपके हेयर थोड़े से और अच्छे हो जाएंगे। देखें इस तरीके से, देखें यहाँ पर मैं अपने ऊपर वाले हेयर को थोड़ा थोड़ा इस ऊपर कर रहा हूँ, इससे मेरा बहुत ही अच्छे किस्म का एक फ्लो सा बन जाएगा। तो इसके बाद आप इसे ओके कर दें। तो इस तरीके से आप अपने हेयर को बड़ा कर सकते हैं, अपने हेयर का बहुत अच्छा किस्म का इस तरीके से फ्लो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने हेयर को थोड़ा बहुत और यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसे कर देता हूँ ओके। तो आप देख सकते हैं हमारा स्किन डिटेच भी हो चुका है और हमारा हेयर वर्क भी तकरीबन हो चुका है। इसके बाद हम करते हैं अपनी कलर ग्रेडिंग। तो सबसे पहले मैं अपना कैमरा ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ए से। तो कंट्रोल शिफ्ट ए में आने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है HSL एडजस्टमेंट, और यहाँ से आप देखो आपको यहाँ पे सारे कलर मिल जाएंगे, आप अपने कलर के हिसाब से कोई भी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने येलो को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ऑरेंज को भी, इससे मेरा थोड़ा सा फेस वाइट हो जाएगा, और ल्यूमिनस में जाके ऑरेंज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ।
और यहाँ पे देखें ग्रीन, ग्रीन मेरी इतने फ़ोटो में नहीं है तो इसमें कम कर देता हूँ। ब्लू को तकरीबन थोड़ा सा इस तरह बढ़ा देता हूँ और ह्यू में आके मैं ब्लू को थोड़ा सा इस तरफ कर दूँगा, ये देखें। और यहाँ से एक्वा को, तो इस तरीके से आप अपने कलर को चेंज करके डिफरेंट किस्म की कलर टोन्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ और इसे इस तरह येलो की तरफ, और देखिए हमारे फेस पे थोड़ा सा रेड कलर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ऑरेंज को थोड़ा सा इस तरह येलो की तरफ कर देता हूँ। ये देखें मेरे फेस की टोन बैकग्राउंड से मैच हो गई है। तो यहाँ पे मैं येलो को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, इसके बाद मैं इसे कर देता हूँ ओके। तो इसके बाद दोबारा कैमरा ओपन करें और इस बार ये वाले ऑप्शन में जाएं कैलिब्रेशन, और यहाँ से जाकर मैं सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा दें यहाँ तक। इसके बाद ह्यू से कुछ चेंजिंग करके देखें, यहाँ मैं इसे थोड़ा सा येलो की तरफ कर रहा हूँ और इसे भी थोड़ा सा येलो की तरफ। तो इस तरीके से आप इनमें चेंजिंग करके डिफरेंट टोन्स बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसके बाद मैं इसे कर देता हूँ ओके। तो इसके बाद मैंने एक लेयर बना लेनी है कंट्रोल जे से, ये देखें लेयर वन, और दोबारा कैमरा ओपन करना है। तो इस बार मैं इसे प्रीसेट अप्लाई करने वाला हूँ, तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, तो ये सारे प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, इसमें मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है और मैं दिए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये देखें इनसे कितनी कितनी अच्छी टोन्स बन रही हैं। तो ये देखें ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद मैंने इसे कर देना ओके, और यहाँ पे आके मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है, ये देखें इस तरीके से तकरीबन मैं इसे 60 पे रख लेता हूँ। ये देखें इससे हमारी कितनी अच्छी किस्म की टोन बन चुकी है। तो ब्लू कलर हमारा थोड़ा सा कम हो गया, तो मैं कैमरा में जाकर थोड़ा सा उसे बढ़ा लेता हूँ, ये देखें। इसके बाद मैं इसे कर देता हूँ ओके, और यहाँ पर आके मैं थोड़ा सा कंट्रास्ट और ब्लैक्स थोड़े से बढ़ा लेता हूँ, हाईलाइट थोड़े से कम कर देता हूँ, क्लैरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और कैलिब्रेशन में आकर सैचुरेशन को थोड़ा सा इस तरह अप कर देता हूँ। इसके बाद मैं ऐसे कर दिया ओके, और मैंने दोबारा कैमरा ओपन किया। इस बार आपने इस वाले ऑप्शन में जाना है इफेक्ट्स में, आपने यहाँ से अपनी माउंट को थोड़ा सा पीछे की तरफ करके साइडें थोड़ी सी ब्लैक कर देनी है। इसके बाद आपने कर देना ओके। तो इस बार आपने कैमरा ओपन करना है और आपने ये वाले ऑप्शन में जाना डिटेल में, और यहाँ से आगे आपने अपनी ल्यूमिनस को थोड़ा सा बढ़ा देना है तकरीबन 15 तक। इसके बाद आपने इसे कर देना ओके, इससे आपकी फ़ोटो थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। तो दोबारा मैंने कैमरा ओपन किया और इस बार मैंने येलो को यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना है। तो तकरीबन मैंने आपको सारे कैमरा के टूल बता दिए हैं, इससे आप बहुत ही ईजी वे में अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, आप इनको अपनी फ़ोटो के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा इस तरफ और ओके कर देता हूँ। तो इसके बाद अगर आप इस पर कोई और प्रीसेट अप्लाई करना चाहें तो आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैं ये वाला प्रीसेट अप्लाई कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं इसकी ओपेसिटी लो कर देता हूँ तकरीबन 22 तक, इससे मेरी फ़ोटो में हल्की सी टोन आ जाएगी, ये देखें। तो इस तरीके से आप अपनी फ़ोटो को बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल किस्म का एडिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो पहले कैसी थी और हमने कैसी एडिट कर ली है। तो अगर तो आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, तो लाजमी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की और भी काफ़ी वीडियोज़ आती रहेंगी।